हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एपटेक उदयपुर सेंटर स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशंस देता है एंड क्या क्या एपटेक उदयपुर की फ़ीचर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स लेते हैं। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। चलिए अपन बात करते हैं एपटेक उदयपुर एजुकेशंस के बारे में। सो सबसे फर्स्ट हमारा टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशंस प्रोवाइड करना। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या नॉर्म्स फॉलो करते हैं एंड क्या हमारे क्राइटेरियाज हैं जिसके थ्रू हम बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी ट्रेनर हैं वो सारे आइदर बीटेक, एमसीए और एमटेक क्वालिफाइड हैं और जो अकाउंटिंग के टीचर है वो सीएससीएस क्वालिफाइड है। सो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर कोई भी ट्रेनर टेक्निकली क्वालिफिकेशंस हैं तो वो टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर है, वो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर अपन आगे बात करेंगे कि कोई भी अगर ट्रेनर बीटेक, एमसीए और एमटेक क्वालिफाइड है, उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, हेड ऑफिस मुंबई के सुपरविजन में 3 लेवल के एग्जाम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ट्रेनर पाइथन पढ़ा रहा है, कोई सी प्लस प्लस पढ़ा रहा है, कोई जावा पढ़ा रहा है, तो जो टेक्नोलॉजी वो पढ़ा रहा है उस टेक्नोलॉजी में उनका 3 लेवल का एग्जाम होता है, टफ, टफर एंड टफेस्ट। तीनों लेवल के एग्जामिनेशंस के अंदर अगर उस फैकल्टी का मोर देन इक्वल्स टू 80% मार्क्स आता है तो ही वो ट्रेनर जो है वो एपटेक एजुकेशन में पढ़ा सकता है और उस ट्रेनर का एक सर्टिफिकेशन आता है, एपटेक सर्टिफाइड कॉरपोरेट ट्रेनर। आप देख सकते हैं इस तरह का सर्टिफिकेशन उस ट्रेनर का आता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर है ट्रेनर के सर्टिफिकेट का, एपटेक गोल्ड सर्टिफाइड ट्रेनर यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ये इस पर्टिकुलर ट्रेनर गणेश लाल सुथार ट्रेनर को सर्टिफिकेट मिला है और इस पर्टिकुलर स्किल सेट के अंदर मिला है और यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ। सो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर एपटेक एजुकेशन्स में कोई भी ट्रेनर एपटेक सर्टिफाइड ट्रेनर है तो ही वो क्लासरूम के अंदर पढ़ा सकता है एवं उस स्टूडेंट की अटेंडेंस सॉफ्टवेयर पर लगा सकता है। तो यानी कि ये चीज़ें कवर करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट एपटेक उदयपुर एजुकेशन्स पे आता है तो इट मीन्स उसको 100% क्वालिटी देने का हम लोग ट्राई करते हैं और हम अपने तरफ से बेस्ट एक्सपर्ट ट्रेनर्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब नेक्स्ट लेवल पे ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कितना इन्वॉल्व हो रहा है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, उसी हिसाब से उसको बेनिफिट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांड की। अगर अपन एपटेक ब्रांड की बात करें तो उसकी क्या ब्रांड वैल्यू है और कैसे आपको इसका बेनिफिट मिलता है सर्टिफिकेशंस का। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हेड ऑफिस मुंबई में है एपटेक का एंड एपटेक जो है वो 1986 पुराना ब्रांड है। इट मीन्स 33 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं एपटेक को। अगर अपन बात करें एपटेक की प्रेजेंस तो पूरे वर्ल्ड में एपटेक की प्रेजेंस 40 कंट्रीज़ के अंदर है। अराउंड 2000 प्लस सेंटर्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड एपटेक के जो सेंटर्स हैं वो आप जो भी वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज़ हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कुवैत, ईरान, इराक, दुबई, चाइना, रसिया, सो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट 40 मेजर कंट्रीज़ के अंदर एपटेक एजुकेशन अवेलेबल है। यानी कि ये इंटरनेशनल लेवल के एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और सारा जो कंटेंट है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कंटेंट है। ये स्टूडेंट किस तरह से इंडस्ट्री में जाके काम करेगा और जो कोर्स यहाँ पे करता है उसका रिलेवेंस 100% इंडस्ट्री से है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एपटेक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल एकेडमिक पार्टनर है। कंक्लूजन ये हुआ कि अगर जो भी कोई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट से पढ़ाते हैं तो वो टेक्नोलॉजी का सारा जो कंटेंट है एंड जो गाइडेंस है वो हमको माइक्रोसॉफ्ट से प्रोवाइड होता है एंड सिमिलरली अगर कोई भी टेक्नोलॉजी हम ओरेकल से पढ़ा रहे हैं तो उसका जो कंटेंट है और जो उसका ऑफिशियल जो इंस्ट्रक्शंस है वो सारा हमको एपटेक के थ्रू ओरेकल से आता है। एंड द कंक्लूजन ये है कि इतनी अच्छी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ के एकेडमिक पार्टनर होने का मतलब ये है कि हम लोग ऑलवेज़ जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो हम लोग कवर करते हैं। तो उससे बच्चे को ये बेनिफिट होता है कि इंडस्ट्री में किस तरह से काम हो रहा है उसके बारे में बच्चे को पता चलता है। उसके बाद एपटेक एजुकेशन में बच्चे का कोर्स कम्प्लीट होने के बाद में उसका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन कम्प्लीट होने के बाद में उस बच्चे का सर्टिफिकेशन मुंबई से बन के आता है और वो सर्टिफिकेशन ई सर्टिफिकेट होता है। ई सर्टिफिकेट से मेरा मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे किसी बच्चे का एक सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बन के आएगा पीडीएफ फॉर्म में, उसके ऊपर एक सीरियल नंबर होगा। बच्चा अगर चाहे तो उस सर्टिफिकेट्स को फेच कर सकता है, जैसे इस साइट पे जा सकता है बच्चा यहाँ पे, और यहाँ पे जब बच्चा जाएगा साइट पे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है परफॉर्मेंस स्टेटमेंट सर्टिफिकेट्स ऑथेंटिकेशन। जब यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पे एक बच्चे का मैंने सीरियल नंबर सर्टिफिकेट का डाला है, उस बच्चे का नाम यहाँ पे मैंने लिखा है प्रियम, और जैसे ही चेकबॉक्स पे क्लिक किया है मैंने और ऊपर मैंने रेडियो बटन से ई सर्टिफिकेट्स पे क्लिक किया है
तो यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं, जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो उस बच्चे का सर्टिफिकेट्स का पीडीएफ फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल होगा आपको। ये टाइप ई सर्टिफिकेट है, स्टूडेंट नेम प्रियम सोनी है, कोर्स जावा प्रोग्रामिंग है और सर्टिफिकेशंस का नेम ये है। इशू डेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और व्यू पीडीएफ पे जब क्लिक करेंगे तो ईजिली उस बच्चे का जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कंप्लीट सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हैं। जो सीरियल नंबर मैंने एंटर किया था वो सीरियल नंबर ये है और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है बिकॉज उस बच्चे ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया है और एग्जामिनेशन देने के बाद उस बच्चे का सर्टिफिकेशन आया है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि यहाँ पर सब चीज़ें ऑथेंटिक हैं और एपटेक के सर्टिफिकेशन की ऑथेंटिसिटी ईजिली आप चेक कर सकते हैं एपटेक के पोर्टल से ऑनलाइन जाके। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा मेरा मानना है कि एपटेक एजुकेशन्स क्या है, एपटेक ब्रांड क्या है, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज 40 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है, 33 इयर्स पुराना ब्रांड है। तो दुनिया की सारी अच्छी कंपनीज जो हैं आईटी सॉफ्टवेयर बेस्ड या अकाउंटिंग बेस्ड, उन सब कंपनीज़ के अंदर एपटेक का पढ़ाया हुआ बच्चा या एपटेक से पढ़ा हुआ बच्चा 100% अवेलेबल होता है। तो जनरली ब्रांड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन बच्चे को मे बी उसके छोटे मोटे इंस्टीट्यूशन या कॉलेज के नाम नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पता हो, बट डेफिनेटली एपटेक एक ऐसा ब्रांड है जिसका प्रेजेंस इंटरनेशनली है और 40 कंट्रीज़ में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एपटेक उदयपुर सेंटर की, तो एपटेक उदयपुर एक ऐसा सेंटर है जो कि 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था और उसको मिस्टर एम एल तलेसरा सर ने एस्टेब्लिश किया था, जो कि एमटेक हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं बिट्स पिलानी से, वो भी 1976 के अंदर एमटेक एंड गोल्ड मेडलिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि उस टाइम पे एमटेक को लोग जानते नहीं थे क्या होता है, उस टाइम पे एमटेक की डिग्री क्वालिफाई करने वाले पर्सन्स जिन्होंने एक सेंटर बनाया 1994 में, इसका मतलब ये होता है कि इस सेंटर पे कभी भी क्वालिटी एंड सर्विस कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। बिकॉज एक डेडिकेटेड एंड साइंटिफिक लेवल के बंदे ने अगर कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है तो वहाँ पर कभी भी क्वालिटी एंड सर्विस कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एपटेक उदयपुर को 25 ईयर्स हो गए हैं सक्सेसफुली और एक ही लोकेशन पे एक ही बिल्डिंग के अंदर, राइट? कोई भी ऐसा सेंटर जो उसको 25 ईयर्स हो गए तो डेफिनेटली यू कैन बिलीव द सर्विस एंड क्वालिटी किस लेवल की होगी। उसके बाद अगर और बात करें अपन कि उदयपुर डिवीज़न के वो बच्चे जो जनरली IITs, NITs, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, MNIT, LNMIIT, DACIIT, SRM, LPU, शारदा, राइट? इन सारी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो पढ़ते हैं बच्चे, जब वापस वो विंटर एंड समर में उदयपुर आते हैं तो दे प्रीफर टू डू ट्रेनिंग फ्रॉम एपटेक ओनली। और हम इस तरह के कई एक सैकड़ों बच्चों को पढ़ा चुके हैं जो IITs हैं, NITs हैं, बिट्स हैं, तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल और हमारे जो ट्रेनर की क्वालिटी वो बहुत हाई है, जिससे एक टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट के बच्चे भी यहाँ पर सेटिस्फाई होते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि एक रिलायबल सेंटर एपटेक उदयपुर, जहाँ पर 100% आपको बेस्ट क्वालिटी एंड सर्विस मिल सकती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एपटेक का अपना एक डिजिटल पोर्टल है विच इज़ www.onlinevarsity.com। इस पोर्टल का मतलब ये है कि ये जब जब किसी भी कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेते हैं एपटेक के अंदर, तो आपको एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिलता है। उस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को अगर आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे इस URL पे, तो आपको इस टाइप का एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल मिलेगा। इस टाइप का देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको अगर दिखाऊँ तो, अगर जैसे मैं यहाँ पे ऑन माय कोर्सेज के अंदर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इजीली अपन देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उस कोर्स से रिलेटेड जो बुक्स वगैरह होगी उस बच्चे की, वो सारी इसके अंदर आएगी। माय वर्सिटी के अंदर वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे उस कोर्स से रिलेटेड, एग्ज़ाम डेमोज यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, आपको इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेज़ यहाँ पे अवेलेबल रहेगी आपको। और भी अगर बच्चा कुछ और एडिशनल सीखना चाहे तो ब्लॉग्स अवेलेबल रहेंगे, उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स अवेलेबल रहेंगे, ग्रुप्स अवेलेबल रहेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, और बच्चा ईजीली यहाँ पे अपनी बुक्स को डाउनलोड कर सकता है। और इस बुक्स को डाउनलोड करने के लिए बच्चा क्या कर सकता है कि एडोब डिजिटल एडिशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसके अंदर इस बुक को फिर बाद में ऑफलाइन ऑनलाइन देख सकता है इजीली। सो कंक्लूजन के फॉर्म में बात करें तो ऑनलाइन वर्सिटी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है लर्निंग के लिए, जहाँ पे बच्चा इजीली उस प्लेटफॉर्म को मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप पर एक्सेस कर सकता है, जहाँ पे उसको ई बुक्स, ऑडियोज, वीडियोज एंड क्विजेज प्रोवाइडेड हैं, जो कि उसको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में एक्सेस कर सकता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि बच्चा ऑनलाइन चैट कर सकता है। सपोज़ रात को 2 बजे पढ़ रहा है और उसको कोई डाउट आया है तो वो उस डिजिटल पोर्टल पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरी पुट कर सकता है, तो वहाँ पे जो भी एक्सपर्ट अवेलेबल रहेंगे वो उसको आंसर करेंगे। और इसी तरह से अगर उसमें कोई भी अपडेट्स आते हैं इंडस्ट्री से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, तो वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स होते हैं। और ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि ये आपको 3 ईयर्स तक वैलिड है, यानी कि बच्चा इसको 3 साल तक यूज़ कर सकता है। तो कोर्स कम्प्लीशन के बाद भी काफ़ी लंबे टाइम तक बच्चे के पास ये रहता है, ताकि उस टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स आया है, कोई भी चेंजेस अगर उसमें हैं, तो डेफिनेटली उस बच्चा उस डिजिटल पोर्टल को विजिट करके देख सकता है, राइट? सो द कंक्लूजन इज़ कि एपटेक प्रोवाइड्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर स्टूडेंट कैन लर्न एवरीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो एपटेक जो है वो प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है।
एपटेक का अपना एक सेंट्रलाइज टीम है जो कि प्लेसमेंट के लिए काम करता है, यानी कि पैन इंडिया वेरियस कंपनीज़ के अंदर जो भी जॉब वैकेंसीज़ वगैरह हैं, जो जॉब वैकेंसीज़ को फाइंड करके कंपनीज़ के एचआर से कॉन्टैक्ट करके हमारी जो प्लेसमेंट टीम है वो हमको मेल करती हैं कि बच्ची का प्लेसमेंट्स के लिए आप डेटा प्रोवाइड कीजिए, बच्चे को प्लेसमेंट्स के लिए अवेलेबल कराइए, ताकि हम लोग फिर क्या करते हैं कि उस बच्चे को प्लेसमेंट्स के लिए असिस्ट करते हैं, प्लेसमेंट्स के लिए उस बच्चे को गाइड करते हैं, बच्चा इंटरव्यू देता है एंड फाइनली प्लेस हो जाता है। यानी कि हमारे एपटेक उदयपुर की बात करें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर प्लेस्ड हैं। ऐसा भी अगर अपन बात करें तो जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक गूगल, IBM, एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, कैपजेमिनी, याहू जैसी कंपनीज़ के अंदर एपटेक उदयपुर से पड़े हुए बच्चे प्लेस्ड हैं आज की तारीख में। और मैं आपको रियल में दिखाना चाहूँगा किस तरह से हमारे पास प्लेसमेंट्स के लिए मेल आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली, जैसे हमारा सेंटर जो है वो दिल्ली जोन में एक मैडम बैठते हैं, ज्योति मैडम, वो देखते हैं। तो ये मेरा पर्सनल मेल आईडी है जहाँ पे वो मेल करते हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डे टू डे कि April 18 को मेल आया कि रूफ इनपो सॉल्यूशंस में वैकेंसीज हैं, बच्चे का डिटेल भेजो, रजिस्ट्रेशन फॉर प्लेसमेंट्स, ग्लोबल हंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हायरिंग डेवलपर्स, राइट, इनफूडर्स इंडिया लिमिटेड इनवाइटिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, राइट, एंड ग्रेजुएट्स आर रेडी फॉर द HDFC इज़ हायरिंग, नोवस कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड इज़ हायरिंग। जो बच्चे प्लेस हो गए हैं उनके लिए कंग्रेचुलेशंस के मेल आते हैं, राइट। उसके बाद अगर और भी अपन बात करें तो अगेन रूफ इन्फो टेक सॉल्यूशंस कंपनी उसकी वैकेंसीज के मेल यहाँ पे देख सकते हैं आप। GKC मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हायरिंग डेवलपर्स, ये मेल देख सकते हैं आप, राइट। उसके बाद और भी अगर आप देखें डे टू डे मेल आते हैं, कैंपस ड्राइव बाय मार्क कंप्यूसॉफ्ट, राइट, ग्रिड इन्फोकॉम हायरिंग .NET डेवलपर्स, राइट। एंड यहाँ पे नेक्स्ट अगर और भी देखिए, एक्यूरेट इन्फो सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड हायरिंग ASP.NET डेवलपर्स, ग्रिड इन्फोकॉम हायरिंग टेक्निकल कंसल्टेंट्स, इंडियन ऑयल हायरिंग MIS एग्जीक्यूटिव। इंडियन ऑयल आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर 1 ईयर इंटर्नशिप के लिए भी मेल आते हैं बच्चों को। ये हमारे पास मेल आते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं। एंड फ्यूचर ग्रुप इन्वाइट्स जो कि बिग बाजार का ग्रुप है स्टूडेंट्स, राइट। उसके बाद अगर और अपन 01 हायरिंग डेवलपर्स सैलरी भी यहाँ पे दे रही है, 25,000-30,000 के आसपास की सैलरी पे ये कंपनी हायर कर रही है, राइट। उसके बाद और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर अपन देखें तो IBM जैसी कंपनी तक के भी मेल आते हैं, IBM के मेल आते हैं, मतलब कि जो एपटेक के HR है उनसे कॉन्टैक्ट करके। तो यहाँ पर डिटेल्स अगर अपन बात करें IBM में जॉब वैकेंसीज़ हैं, और यहाँ पे अगर इस ध्यान से देखें तो 4 लाख पर एनम का पैकेज है IBM GTS, जो कि एक बहुत ही टॉप कंपनी है टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। जनरली इंजीनियरिंग क्वालिफाइड होने के बाद और जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो इस टाइप की कंपनीज प्रेफर करते हैं। और भी अगर अपन आगे बात करें तो IBM के बाद टॉप कंपनीज़ में टेली कंपनीज़ के भी यहाँ पे मेल आप देख सकते हैं। उसके बाद TCS की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मैं आपको TCS का भी कंपनी ड्राइव के लिए 1 ईयर इंटर्नशिप अगेन इन IOCL। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि TCS के अंदर भी जॉब्स यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अगेन TCS हायरिंग। सो डियर फ्रेंड्स, मेल दिखाने का मतलब ये है कि हमारी टीम जो है वो एक्चुअल में प्लेसमेंट असिस्टेंस पे काम करती है, प्लेसमेंट ड्राइव पे बहुत डेडिकेटेडली काम करती है। और यहाँ पे मेल का सीक्वेंस देखिए तो 2-3 दिन की फ्रीक्वेंसी में मेल आते हैं, और बच्चे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ बच्चा अपना इंटरव्यू देके प्लेस हो सकता है। सो कंक्लूजन इज़ कि प्लेसमेंट असिस्टेंस बहुत बेस्ट तरीके से एपटेक प्रोवाइड करता है, और स्टूडेंट ईजिली अच्छी कंपनीज के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। उसके बाद अगर एपटेक उदयपुर के बारे में, एपटेक एजुकेशन के बारे में और भी अगर आप जानना चाहें तो डेफिनेटली आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। एंड मैं तो ये कहूँगा कि एपटेक उदयपुर के बारे में आपको गूगल रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ने चाहिए। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको, जैसे ही अगर आप यहाँ पे गूगल में टाइप करते हैं एपटेक उदयपुर, तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट, ये देख रहे हैं आप एपटेक उदयपुर का अकाउंट बना हुआ यहाँ देख सकते हैं। और इसमें अगर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे बच्चों ने अपने अपने हिसाब से रिव्यूज़ दिए हैं एपटेक उदयपुर के बारे में। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इजीली आप देख सकते हैं कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ चुके हैं उनका क्या सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो क्या लिखते हैं एपटेक के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि बच्चों ने अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे खुशबू तलरेजा ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं गूगल पे, राहुल महाजन ने व्यूज़ दिए हैं, मुस्तफ़ा बापू ने व्यूज़ दिए हैं, प्रियल सिंगल ने व्यूज़ दिए हैं, दिशा पुरोहित ने व्यूज़ दिए हैं, ऐसे करके यहाँ पे अराउंड 84 रिव्यूज़ हैं। ये समय के साथ और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे बच्चे का एक्सपीरियंस एपटेक उदयपुर में रहता है वैसे वैसे बच्चे अपने एक्सपीरियंस को गूगल पे रिव्यूज़ लिख के रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ से वास्तव में पता चलता है कि एक सेंटर क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, और सेंटर किस तरह से बच्चों को गाइड कर रहा है, और बच्चों का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, इजीली आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है एक एक को पढ़ के समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे आपको, और आप ज़रूर गूगल रिव्यूज़ पढ़ें, उससे आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा और काफ़ी अच्छा सेंटर के बारे में जानने को मिलेगा। अगेन अगर अपन बात करें
तो हमारा गूगल प्लस प्रोफाइल आप विजिट कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको कुछ मीनिंगफुल फीडबैक्स और वीडियोस मिलेंगे, हमारा फेसबुक पेज है जहाँ पे आप विजिट करेंगे तो कुछ टेक्निकल अपडेट्स एंड सेंटर के अपडेट्स के बारे में और एपटेक क्या नया कंडक्ट कर रहा है उसके बारे में अपडेट्स मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अपन अगेन एक बार इस पर सब पे नज़र डालें तो एक सेंटर के क्या फीचर्स होने चाहिए, द कम्प्लीट क्वालिटी एजुकेशन वी आर प्रोवाइडिंग, सो स्टूडेंट शुड लर्न अ सेंटर विच इज़ प्रोवाइडिंग 100% क्वालिटी एजुकेशन, इंटरनेशनल ब्रांड राइट जिसका रिकोगनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे 40 कंट्रीज के अंदर है, अ रिलायबल एंड क्वालिटी ओरिएंटेड सेंटर जहाँ पे आपको हर तरह की क्वालिटी मिलेगी, हर तरह की सर्विस प्रॉपर मिलेगी, द कंप्लीट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट एवरीथिंग अबाउट टेक्नोलॉजी एंड द कंप्लीट प्लेसमेंट असिस्टेंस वेयर यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट जॉब इन वेरी गुड कंपनीज एंड इफ यू वॉन्ट टू एंश्योर अबाउट द एक्चुअल फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स देन यू कैन गो फॉर द गूगल रिव्यूज एंड वेबसाइट्स एंड ऑल। थैंक यू सो मच। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार जरूर आप एपटेक उदयपुर विजिट करें, एंड अगर और भी आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये आपको कुछ मोबाइल नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे, आप मोबाइल नंबर के कॉल करके बात कर सकते हैं, और ईमेल एड्रेस दे रखा है, अगर आपकी क्वेरी है तो आप इस मेल पे पुट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, सो गेट द विजिट ऑफ एपटेक उदयपुर सेंटर एंड नो द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स फ्रॉम दिस सेंटर। थैंक यू सो मच।